देखो यार भाइयों, आज के इस वीडियो क्रिप्टो पार्ट 3 के ऊपर होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को जो भी कोई टोकन कहीं जगह पे मिलेगा ना, आप लोग कैसे उसे बैंक पे ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। और पार्ट 4 जो है ना आप लोगों के लिए भाई कत्ता जेर होने वाला है, क्योंकि ना आप लोग क्रिप्टो से अर्निंग करोगे भाई। रात में सो जाओ, आपका अर्निंग जारी रहेगा, ठीक है। क्रिप्टो का कुछ जो पार्ट फोर होने वाला है ना, वो कुछ इस तरह होने वाला है। और उससे पहले मैं आप लोगों को जो जो बंदा नया है ना, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग क्रिप्टो पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हो ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो दे दूंगा, आप लोग जाके वो वाला वीडियो देख लेना। आप लोगों को क्रिप्टो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये देखो ये ना नया चैनल है, तो मतलब वीडियो तो मैं पहले बना दिया था, बट और दूसरा चैनल पता, तो इसलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग देख लेना, इसलिए देखना। क्योंकि देखो आप लोग कोई भी टास्क वगैरह ऑफर करते हो ना, आप लोगों को 100-200 रुपये इस तरह मिलता है, लेकिन क्रिप्टो का ऑफर जो है ना 2-4 मिनट का काम होता है। और आप लोगों को जब भी मनी मिलेगा ना, 200 से लेकर भाई 1000, 5000, 15000, 10000 इस तरह का मनी मिलता रहता है, ठीक है। तो क्रिप्टो का कोई भी ऑफर आप लोग मिस मत करना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ से। देखो वीडियो पे आप लोगों को इतना जानने को मिलेगा आज कैसे आप लोग विड्रॉल करोगे। देखो सिंपल से एक मैं आप लोगों को एक मतलब एग्जांपल के तौर पे ले चलता हूँ, ट्रस्ट वाले, ठीक है। देखो बहुत सारे हम क्रिप्टो के ऑफर पे ज्वाइन होते हैं एयर ड्रॉप पे, वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मतलब कोई भी बहुत सारे ऑफर पे हम ये जो इथेरियम होता है ना, इसका एड्रेस देते हैं। इसका एड्रेस हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वो जो टोकन है ना, हमें इथेरियम के मदद से हमारे ये ट्रस्ट वॉलेट पर आता है आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक ये पड़ा है एक्स्ट्रा DNA, ठीक है, ये एक मतलब टोकन है। तो मैं इसे उड़ल कैसे करूँगा, देखो ये तो फिलहाल के लिए मेरे ट्रस्ट वॉलेट पर आ चुका है, तो मैं इसे बैंक पर कैसे लूँगा, ठीक है। देखो आप लोगों को मैंने क्रिप्टो पार्ट 2 पे बताया था, आप लोग बैंक पे लेने के लिए आप लोगों को 3 एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगा, एक है हॉटबीट, एक है बाइनेंस और एक है वाजरेक्स, ठीक है। लेकिन हॉटबीट बाइनेंस पे हमें कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ हम वहाँ पे सिर्फ जो भी कोई टोकन वगैरह है ना उसे सेल करेंगे डॉलर पे, फिर डॉलर को ट्रांसफर करेंगे वाजरेक्स पे, फिर वाजरेक्स से हम डायरेक्ट बैंक पे ले पाएंगे, ठीक है। उस तरह कुछ आप लोगों को मैंने प्रोसेस बताया था। देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल तौर पर ट्रस्ट वॉलेट दिखाया, क्योंकि बहुत सारा टोकन ट्रस्ट वॉलेट पे रिसीव होता है, जैसे कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा DNA, तो आप लोग इसे कैसे बैंक पे ट्रांसफर करोगे। देखो यहाँ पे ना आप लोगों को ट्रांसफर का कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा देता है, एक है सेंड का ऑप्शन, एक है रिसीव का ऑप्शन, ठीक है। आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप ये DNA सेंड करना चाहते हो ना, तो कहाँ पे सेंड करोगे, देखो ये एक्स्ट्रा DNA, तो पहले आप लोगों को एक चीज में बताना चाहता हूँ, पहले आप लोगों को क्रोम पे जाकर सर्च करना होगा ये जो एक्स्ट्रा DNA ना, ये कहाँ पे लिस्टेड है और इसे हम कैसे बैंक पे ले पाएंगे। देखो आप लोग को मतलब क्रोम ब्राउजर ओपन कर यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना होगा कॉइन गेको, ठीक है, ये वाला वेबसाइट आप लोग सर्च कर लेना, नहीं तो ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा कॉइन गेको करके ये वाला, ठीक है। जैसे कि मेरा नेट बहुत स्लो है, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, रुको मैं किसी को कॉल कर लेता हूँ, मेरा नेट कनेक्टेड हो जाएगा। देखो फिलहाल के लिए मेरा नेट नहीं चला था, मैंने कस्टमर कॉल को कॉल कर दिया, ठीक है। देखो उसके बाद आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को एक सर्च का ऑप्शन दिखा देगा, अगर आप लोग चाहोगे ना तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हो। इसलिए देखो ये वाला एप्लीकेशन आप ना हर मोमेंट में जरूरत पड़ेगा, आप लोग जब भी क्रिप्टो पार्ट 4 देख लोगे ना, आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन हर मोमेंट पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस वाला मैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करके रखा हूँ फिलहाल के लिए, मैं वेबसाइट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। कॉइन को सर्च कर लेना, आप लोगों के सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिखा दे रहा है, सर्च पे आप लोगों को देखो कॉइन को इसका मतलब क्या है। देखो पहले गेको को समझ लो, यहाँ पे ना आप लोग जो भी कोई टोकन वगैरह लिस्टेड होता है ना ऑनलाइन पे, इसका ना प्राइस यहाँ पे पता चलता है। जैसे कि बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन मतलब किंग है ना क्रिप्टो करेंसी का, ये सबसे रैंक 1 पे, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा बिटकॉइन का प्राइस कितना है, देख सकते हो 37,15,000 इस तरह कुछ है। एक घंटे के बाद देखोगे ना तो इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डूब जाएगा, इस तरह होता रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पहले यहाँ पे डॉलर शो होगा, आप लोगों को इसे इंडियन रुपी भी कैसे दिखाई देगा मैं भी आप लोगों को बता दूँ। देखो वो जो एक्स्ट्रा DNA ना, आप लोगों को यहाँ पे आकर सर्च करना होगा DNA, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, रुको मैं चेक करके दिखाता हूँ। अरे देखो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है XDNA, यहाँ पे ब्रैकेट पे जो है ना, आप लोगों को यहाँ पे जाके वही सर्च करना होगा, ठीक है। मैं सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो पे बता दूंगा, XDNA, ठीक है। देखो ये लिस्टेड है ऑलरेडी, तो इसलिए आ गया, ठीक है, XDNA आ गया। अगर लिस्टेड नहीं होता ना तो यहाँ पे नहीं आता। देखो ये कहाँ कहाँ पे और इसका वैल्यू कितना है, देखो आप लोगों को ना यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा USD लिखा होगा, आप लोगों को सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके हमारे यहाँ पे सर्च करना होगा INR कर देना, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और कौन सा इसका वैल्यू क्या है ना, ये हर सेकेंड पे अपडेट रहता है यहाँ पे, कौन क्योंकि हर सेकेंड पे कौन सा इसका वैल्यू बढ़ा या फिर डूब गया, इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ इस तरह है पैसा, तो ये भी फ्री में मिला था एक दिन एयर ड्रॉप पे मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे अकाउंट पे यहाँ पे कितना, देखो मेरे पास ना 2500 DNA पड़ा है, इसका वैल्यू यहाँ पे 85 रुपये दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ, तो इसका यहाँ पे कितना दिखा रहा है, देखो 84, मतलब ये ना हर सेकंड पे यहाँ पे अपडेट होता रहता है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। देखो अब आप लोगों को बताता हूँ क्या करना होगा,
ये जो एक डीएनए है ना, आप अगर विड्रॉल लेना चाहते हो ना, तो पहले आप लोगों के यहाँ पे सर्च करना होगा। देखो यहाँ पे आप लोगों के नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद ना ये दिखाई देगा ये कहाँ कहाँ लिस्टेड है, ठीक है। देखो ये एक फ्रोबिट पे लिस्टेड है। फ्रोबिट भी एक एक्सचेंज है, जैसे कि आप लोग बाइनेंस एप्लीकेशन यूज़ करते हो ना, बाइनेंस पे जैसे आप बाय सेल करके वाजरेक्स पे सेंड करते हो ना, फ्रोबिट पे भी सेम टू सेम है। देखो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। मान लो ये एक टोकन है, ठीक है। देखो ये टोकन कहाँ पे लिस्टेड है, फ्रोबिट पे। देखो मेरे पास प्रोबिट एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों पर जो भी कोई टोकन जिस एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा ना, तो आप लोग वहाँ पे भी देखो। ये अगर मैं इसे चाहता हूँ हॉट बीट पे लेने के लिए, ये वाला जो डीएन है ना, अगर हॉट बीट पे लेके टीआरएस में, देखो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अगर मैं ये वाला टोकन को हॉट बीट पे लेना चाहता हूँ, तो ये हॉट बीट पे लिस्टेड नहीं होगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सी ऑल्गो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सिर्फ इतना एक्सचेंज आ रहा है। ये यही 4-5 एक्सचेंज में लिस्टेड है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये प्रोबिट पे, तो इसे ना हम प्रोबिट पे ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोबिट अकाउंट है, मेरे पास सारा एक्सचेंज का एप्लीकेशन है, ठीक है। प्रोबिट पे हम इसे आराम से ले सकते हैं। लेकिन प्रोबिट पे आप कैसे, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जो भी कोई टोकन जो भी कोई जगह पे लिस्टेड होगा ना, वो जो लिस्टेड होता है ना जो एक्सचेंज पे, वहाँ पे एक होता है डिपॉजिट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक्सचेंज सब कुछ, लेकिन हर कोई एक्सचेंज पे एक वॉलेट होता है या फिर फंड होता है, तो आप लोगों को वॉलेट पे आना होगा। यहाँ पे देखो आ गया डिपॉजिट का सेक्शन, ये है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना होगा डीएनए। देखो ये इस जगह पे लिस्टेड है, तो यहाँ पे आ गया डीएनए, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा चीज़ का एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा, आप लोगों को पूरे के पूरे समझाऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आ गया डीएनए, यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी कर लेना आप लोगों का एड्रेस, हर कोई एक्सचेंज पे इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाना, ट्रस्ट वॉलेट पे सिर्फ दिखाई दे रहा है सेंड, सेंड के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे वो जो एड्रेस आपने कॉपी किया ना, यहाँ पे डाल देना, मार्क कर देना, सेंड के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। बस सेंड के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पे आ रहा है ऊपर कंटिन्यू आ रहा है, सेंड के ऊपर क्लिक कर देना। बट मैंने इसे उडल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो टोकन है ना मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे पड़ा है, बट इसका वैल्यू कम है ना, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस लगेगा, ठीक है। देखो अगर मैं ये मतलब 85 रुपये बैंक पे लेने के लिए जाऊँगा, तो यहाँ पे चार्जर लग रहा है 1400 रुपये का, क्योंकि ना ये ERC20 पे, देखो ये ERC20 पे काम करता है, मतलब ये जो टोकन है ना ये इथेरियम पे काम करता है, इथेरियम के ऊपर। सो इसलिए इसका वैल्यू, मतलब ये जो चीज़ है ना डीएनए, तो ये इसे मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम का फी लगेगा। इथेरियम फी का बहुत, इथेरियम का जो फी है ना 5-6 रुपये लग रहा था हर कोई जगह पे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इथेरियम का प्राइस चला गया है 28,000 से था 1-2-3 महीने पहले, अभी इथेरियम का प्राइस 1.5 लाख तक चला गया है। सो इसलिए ना मैं मतलब इसे सेंड नहीं कर पाऊंगा, टोकन पड़े रहने देता हूँ, ठीक है। तो इस टोकन का भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये सिर्फ 85 रुपये दे रहा है। अगर मैं इसे चाहूँगा ना, और यहाँ पे देखो हर कोई टोकन ना, जो भी कोई टोकन आप लोगों को मिलेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा आप कैसे स्वैप करोगे। और जब भी मैं जो भी कोई टोकन पे उडल करूँगा ना, आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप भी उडल कर सकते हो। अगर मैं इसे चाहूँगा ना, तो यहाँ पे स्वैप कर लूँगा, स्वैप करूँगा ना, तो मुझे सिर्फ 4-5 रुपये का चार्जर लगेगा इस तरह घुस भी। लेकिन ये इथेरियम के ऊपर आधारित है, तो इसलिए थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगेगा, और इसका ज़रूरत भी मुझे नहीं है। अगर लाइफ में फ्यूचर में अगर इसका वैल्यू बढ़ा, तो मैं इसे आराम से ले सकता हूँ बैंक पे, ठीक है। बस ये कुछ इस तरह का। लेकिन आप लोगों को और एक चीज़ का दिखाता हूँ। देखो ये एक रियल टोकन है, ठीक है। ये भी फ्री में मिला था उस टाइम, ये उडल हो रहा था, मैंने इसे डाल कर रख दिया, उडल नहीं किया, क्या करूँ उडल लेके, मतलब 10-15 रुपये उस टाइम वैल्यू था, अभी ज़्यादा मनी बढ़ चुका है। बट देखो ये एक टोकन है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, देखो ये TRC20 है, और ये क्या है, ये ERC20। ERC20 का मतलब होता है इथेरियम, और इसका मतलब होता है TRC20। देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे 2-3 रुपये सिर्फ चार्जर लगेगा। अगर मैं इसे सेंड करूँगा ना, देखो इससे भी इसका भी एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। देखो मान लो आप लोगों को और एक टोकन मिला इस तरह कुछ भी, तो आप लोगों को यहाँ पे चेक, जब मतलब जो भी कोई चीज़ ट्रस्ट वॉलेट पे मिलता है ना, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लगता है सेंड के लिए, ठीक है। और जो जो भी कोई चीज़ जैसे कि जॉर्ड पे है, ठीक है, मान लो जॉर्ड पे डाटा सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जॉर्ड पे जो भी कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, हम डाटा इधर से सेंड कर लेंगे, यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट जो है ना ये एक वॉलेट है, तो आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है, ठीक है। देखो ये TRC20 के ऊपर आधारित है, तो हम इसे आराम से उड़ा ले सकते हैं। अगर देखो ये देखो इस चीज़ का नाम क्या है, देखो इस टोकन का नाम है RLE, ठीक है। पहले हम जाएंगे कॉइन गेको पे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे RLE, ठीक है। रुको मैं चेक कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सर्च कर लिया RLE, यहाँ पे आ गया रिसेल अप टोकन, वही वाला टोकन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इससे मैं चेक करता हूँ ये कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे, नीचे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा ये, देखो इस तरह कुछ ये कौन सा जगह है भाई, देखो ये यहाँ पे भी लिस्टेड है। लेकिन आप लोगों को और एक चीज़ दिखने में, आप लोगों को अच्छा चीज़ बता देता हूँ, देखो ये कहाँ पे लिस्टेड है मुझे भी नहीं पता, तो इससे भी मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी कोई चीज़ TRC20 के ऊपर आधारित होता है ना, वो आप लोग
ट्रॉन वॉलेट पे भी वो जो चीज है ना आप लोगों के पास ट्रॉन वॉलेट पे होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये एक ट्रॉन वॉलेट है, इसका क्या काम है, जो भी कोई चीज TRS T20 के ऊपर होता है वो आप यहाँ पे डाटा स्वाप कर सकते हो, मतलब उस चीज को ना TRX में बदल सकते हो। फिर यहाँ से जो TRX आप लोगों को मिलेगा ना, सेंड के ऊपर क्लिक करना, आप सभी वाजरेक्स एप्लीकेशन का यूज करते हो, डाट वो वाला TRX को वाजरेक्स पे भेज देना, वो वाला जो मनी है ना वाजरेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा वाजरेक्स पे कैसे मनी आता है। ठीक है, देखो इसमें काम क्या है, देखो इससे आप स्वाप कैसे करोगे। देखो आप लोगों को कोई भी चीज़ TRS T20 के ऊपर मिलता है या फिर कोई भी कोई चीज़ में मैं आप लोगों को विड्रॉल करूंगा ना, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस का वीडियो बना दूंगा, मैं भी जो कोई चीज़ विड्रॉल करूंगा आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के भी विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन मान लो हम ये चीज़ को स्वाप कर ले, स्वाप करने के बाद ना बस एक दो मिनट का काम रहता है। ठीक है, स्वाप करने के बाद ये वाला जो चीज़ है ना TRX पे आ जाएगा, और TRX पे आप लोगों को तो पता है TRX हर कोई जगह पे लिस्टेड है, जो भी कोई एक्सचेंज है ना कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो कि TRX वहाँ पे लिस्टेड नहीं होगा। ठीक है, ये TRX है तो हर जगह पे लिस्टेड होता है। तो यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना, आप सभी वाजरेक्स एप्लीकेशन यूज करते हो, मैं बोला था ना आप लोगों को ये वाजरेक्स पे लेना होगा। ठीक है, जो भी कोई टोकन वगैरह मिलेगा ना पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे डॉलर पे, डॉलर को TRX पे, TRX को लेंगे वाजरेक्स पे। ठीक है, मैं और भी कोई एग्जांपल दूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखो वाजरेक्स पे आ जाना, मैंने आप लोगों को बोला था हर कोई एक्सचेंज पे होता है फंड और वॉलेट का सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे फंड वाजरेक्स पे फंड, फंड को पे क्लिक करना आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा सॉर्स का ऑप्शन, सॉर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आप लोगों को सॉर्स करना होगा TRX, क्योंकि आप लोगों को TRX लेना है। ठीक है, TRX सॉर्स करना, मेरा नेट स्लो है ना तो इसलिए नहीं आ रहा यार, रुको TRX, अरे यार हद है। देखो मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं, आप लोग सर्च करना आप लोगों के सामने इस तरह आ जाएगा TRX। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिपॉजिट, डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को इसलिए क्लिक करना क्योंकि आपने सेंड करोगे। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे सेंड करोगे TRX। ठीक है, TRX को आप लोग सेंड करोगे ना, वो वाला वाजरेक्स पे सेंड करना है, तो सबसे ऊपर मांग रहा है ना, देखो देखो सबसे ऊपर मांग रहा है, रुको थोड़ा एक मिनट, देखो आप लोगों को मांगेगा रिसीविंग अकाउंट, यहाँ पे मांग रहा है, मेरा नेट यार भाई क्या करूँ, देखो अरे ये क्या हो गया, कहाँ पे घुस गया वो, देखो जैसे कि यहाँ पे मांग रहा है रिसीविंग अकाउंट, मतलब आप जो भी कोई अकाउंट पे लेना चाहते हो ना, हम तो हमें तो TRX पे लेना है, ये TR जो मिला है ना हमें TRX पे लेना है, मतलब वाजरेक्स पे, तो आप लोगों को वाजरेक्स पे जाके यहाँ पे डिपॉजिट का एड्रेस मिल जाएगा, TRX सर्च करना, TRX आ जाएगा, फिर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन, यहाँ पे कॉपी कर लेना वो जो एड्रेस है ना, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे जहाँ पे मांग रहे हैं ना रिसीविंग अकाउंट का मतलब होता है कहाँ पे रिसीव करोगे। ठीक है, हम वाजरेक्स पे चाहिए तो वाजरेक्स का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे TRX सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना, जितना TRX होगा ना यहाँ पे आ जाएगा, सेंड के ऊपर क्लिक करना, देन आप लोग सेंड कर दोगे, एक पाँच मिनट के अंदर ये आ जाएगा आपके वाजरेक्स पे। और भी कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर वीडियो के एंड पे आप लोगों को बताऊंगा वाजरेक्स पे जो मनी आएगा ना कैसे बैंक पे लोगे। ठीक है, आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो यार किसी का शादी होने वाला ना, तो मतलब जैसे कि साउंड सुनाई दे रहा है, मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, तो कुछ देर वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। देखो अब आप लोग ना मतलब क्या कि वो जो TRX है ना आप लोग वाजरेक्स पे सेंड कर देना, आप लोगों का मनी वाजरेक्स पे आ जाएगा दो तीन मिनट के अंदर। ठीक है, आने के बाद आप लोग कैसे उड्डल करोगे ना वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं, आप लोग कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, ये था कुछ इस तरह इवेंट मतलब जो कि ट्रॉल पे आएगा। देखो अब आप लोगों को मैं थर्ड एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ले चलता हूँ, जैसे कि देखो ये एक, देखो ये एक एडमिरल है ना, देखो ये एक ऑफर आया था, ये ट्रॉन दे रहा था फ्री में, 10 ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, मतलब 10 TRX दे रहा था, अभी फिलहाल TRX का वैल्यू 3 रुपये, 3.5 रुपये या फिर 4 रुपये कुछ पता नहीं, 30 रुपये मतलब बोले तो 10 TRX दे रहा था जिसका वैल्यू है 40 रुपये उस टाइम था। ठीक है, अभी 3.5 हो गया है क्योंकि बिटकॉइन क्रैश हुआ था, इसलिए सारे मार्केट भी डाउन आ चुका था। देखो ये फ्री में दे रहा था सभी को 10 TRX, मैंने इसमें उड़ा ले चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे मिल गया था, ठीक है, मुझे TRX पे जो ट्रॉस वाले पे मैंने उड़ा लिया था, मुझे मिल गया था। तो आप लोगों को बताता हूँ, ये भी एक क्रिप्टो टोकन है ना, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखो ये भी टोकन है, आप लोग इसे डायरेक्ट ना, देखो विड्रॉल का जब सिस्टम था ना, यहाँ पे विड्रॉल को पे क्लिक करना, यहाँ पे मांग रहा है इंटर द एड्रेस, आप लोगों को इस तरह जो ऑफर आएगा ना आप लोग ट्रॉस वाले पे चले जाना, ये TRX तो मैंने आप लोगों को बोला हर जगह पे लिस्टेड है, तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाना, 3 डॉट पे यहाँ पे सर्च करना होगा TRX, देखो TRX आ गया, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आ रहा है रिसीव, मतलब रिसीव को क्लिक करना, आपको कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना होगा, आपका TRX एड्रेस कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे डाल देना, उड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देना, OTP जाएगा ईमेल को, फिर आपका जो वॉलेट पे ना 3 दिन के अंदर आ रहा था TRX। ठीक है, फिर आपको देखो
मान लो आपको TRS टॉस वाल पे मिला, तो टॉस वाल पे जो मिला ना आपको TRX, तो आप क्या करोगे, TRS पे तो आप सभी के पास तो TRX है, तो सेंड के ऊपर क्लिक कर देना, वाजरेक्स का एड्रेस यहाँ पे ऊपर डाल देना, मैश कर देना, फिर वो डर लग जाएगा आपके वाजरेक्स पे, मनी चला जाएगा इस तरह, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि जॉर्ड पे, जॉर्ड पे फिलहाल के लिए एक टोकन आया है, ये लिस्टेड नहीं है, ठीक है, सभी को जॉर्ड पे टोकन मिल चुका है ऑलरेडी हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो ये जब भी लिस्टेड होगा ना, यहाँ पे एक आ रहा है सेंड का ऑप्शन, सेंड के ऊपर क्लिक करना, ये जिस जो भी कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा ना, ठीक है, यहाँ पे नीचे मांग रहा है इंटर रेसिपी एड्रेस, देखो यहाँ पे नीचे एड्रेस मांग रहा है, जो भी कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक एड्रेस डालने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट कर देना, फिर उडर लगा देना, आपका उडर लग जाएगा, वो वाला एक्सचेंज पे मनी चला जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बताता हूँ, देखो इस तरह जो भी कोई ऑफर आएगा ना आप एक्सचेंज पे मनी लेंगे, और हर कोई एक्सचेंज ना इस तरह का होता है, जैसे कि ये बाइनेंस है, ठीक है, देखो ये एक्सचेंज है, आप लोगों को यहाँ पे भी पता चल जाएगा बाय और सेल क्या है इस वाला वीडियो पे, ठीक है। देखो ये एक एक्सचेंज है, आपका मनी ना यहाँ पे आ जाएगा, ये वॉलेट वाला सेक्शन पे जाता हूँ, आपका जो भी कोई मनी है ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रुको आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये फिलहाल के लिए मैं वॉलेट वाला, मेरा नेट स्लो हो रहा है ना, तो ये जो फ्रंट पेज है ना लोडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो मैं बाइनेंस पे आ गया, हर कोई एक्सचेंज ना इस तरह होता है, वहाँ पे मार्केट होता है, ट्रेड होता है, या फिर फ्यूचर वगैरह, या फिर वॉलेट या फिर फंड का सिस्टमेटिक होता है। जैसे ये बाइनेंस है, आप लोगों को और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, वीडियो 30 मिनट या फिर 25 मिनट का हो जाएगा, फिलहाल के लिए आप देखोगे ना तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्सचेंज पे आपका मान लो, जैसे कि ये जो बाइनेंस है ना, बाइनेंस पे कभी कभी ऑफर चलता है, आप लोगों को फ्री में कुछ टोकन वगैरह मिलता रहता है, जैसे कि 1300 रुपये मिला था हमारे ग्रुप पे बहुत सारे बंदे को, और ये एक 1 इंच टोकन है जो कि फ्री में रिसीव हुआ था सभी को, वो वाला ऑफर पे जो जो बंदे ज्वाइन हुए थे, और यहाँ पे इसका वैल्यू अभी 300 रुपये तक चला गया, देख सकते हो 299, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू 300 रुपये के आसपास है, तो ये भी सभी को फ्री में मिला था। अगर आप लोग इसे चाहो ना, इसे भी उडल कर सकते हो, लेकिन आप लोग को इसे उडल मत करना, इसे थोड़ा होल्ड करके रखो, मैं क्रिप्टो का पार्ट 4 पे आप लोगों को बताऊंगा कैसे इनकम करोगे, क्रिप्टो से क्रिप्टो इनकम, मतलब मनी से मनी इनकम। आज के डेट पे आप लोग किसे 10 रुपये देते हो तो वो आपको दुगुना करके देता है क्या? नहीं देता है ना, वो 12 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद तो वापस करता है, लेकिन वही 10 रुपये वापस करता है ना। लेकिन ये क्रिप्टो एक ऐसा चीज़ है, आप यहाँ 10 रुपये लगाओगे तो आपको 100 गुना 50 गुना 500 गुना 2 गुना से ऊपर मनी मिलता है, ठीक है, आप लोगों को पार्ट 4 पे पता चल जाएगा। देखो ये 1 इंच टोकन रिसीव हुआ है, तो हर एक चीज पे ना इस तरह होता है, हर एक एक्सचेंज पे। मान लो आप लोग जैसे कि जॉर्ड पे आप लोग किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, आपने सेंड किए, जो भी कोई एक्सचेंज हो, ठीक है, आपका जॉर्ड पे इस तरह आ जाएगा, जैसे मेरा 1 इंच टोकन यहाँ पे है, तो आप लोगों का जॉर्ड पे भी इस तरह आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना, हर कोई एक्सचेंज पे मार्केट होगा नहीं तो ट्रेड होगा, आप मैं सिंपल सा मार्केट वाला सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना होगा, जैसे कि मेरा 1 इंच टोकन पड़ा है, तो मैं यहाँ पे ना 1 इंच सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 1 इंच सर्च करने के बाद यहाँ पे आ गया USDT, ठीक है, USDT का मतलब होता है डॉलर, आप 1 इंच को ना USDT पे सेल कर सकते हो। देखो अगर मैं सर्च करूंगा 1 इंच, देखो 1 इंच सर्च किया, फिर TRS सर्च करूंगा, TRS तो नहीं है, 1 इंच पे तो TRS नहीं है, तो पहले आप लोग ये काम कर सकते हो, 1 इंच को USDT पे ले सकते हो, फिर उसके बाद USDT को TRS पे ले सकते हो, TRS जब हो जाएगा ना उसे आप वाजरेक्स पे सेंड कर देना। देखो यहाँ पे एक मान लो मेरा 1 इंच पे एक टोकन पड़ा है, और मैं USDT मतलब 1 इंच को डॉलर पे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, तो डॉलर पे कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये जो चीज़ बाएं तरफ होता है ना उसका मतलब होता है बाय, और जो चीज़ दाएं तरफ होता है ना सेल। देखो मेरे पास 1 इंच टोकन है, मैं सेल करूँगा USDT को, तो मैं यहाँ पे सेल के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास एक 1 इंच टोकन है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे 100% के ऊपर क्लिक करना होगा, 100% के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है $4, ठीक है, 1 इंच का वैल्यू $4 है, मतलब एक डॉलर का वैल्यू है 72 या फिर 73 रुपये कुछ इस तरह आसपास, मतलब इसका वैल्यू वहाँ पे जितना दिखा रहा था ना जो 200-300 रुपये के आसपास, यहाँ पे वही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका मनी सेल हो जाएगा, सेल होके वो वाला जो मनी है ना यहाँ पे जो 1 इंच दिखा रहा है ना यहाँ पे USDT पे आ जाएगा, वो वाला मनी यहाँ पे 1 इंच का जगह यहाँ पे और एक आ जाएगा USDT, वो वाला मनी USDT पे आ जाएगा। USDT पे आने के बाद आप वही वाला मार्केट हो या फिर ट्रेड वाला सेक्शन पे चले जाना, जाने के बाद यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना होगा USDT, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर सर्च करना होगा TRX। देखो TRX सर्च करो, ठीक है, TRX सर्च कर देना, क्योंकि आपको USDT से TRS पे लेना है ना, मान लो आपका पैसा USDT पे पड़ा है, तो आप ऊपर सर्च कर देना TRX, यहाँ पे आ जाएगा TRX को, देखो यहाँ पे TRX टू
यूएसडीटी है, नहीं ये और एक दूसरा कुछ है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है टीआरएक्स टू यूएसडीटी है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे टीआरएक्स टू यूएसडीटी लिखा है ना, इस तरह लिखा होगा। देखो अगर आपके पास बीएनबी होता तो यहाँ पे लिखा है टीआरएक्स टू यूएसडीटी, मतलब बीएनबी को टीआरएक्स पे ले सकते हो। मेरे पास देखो मैंने तो यूएसडीटी मतलब डॉलर पे कन्वर्ट किया था ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है यूएसडीटी है और टीआरएक्स भी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना सिंपल सा। कहाँ पे क्लिक करना और एक बार दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी पड़ा है ना तो मैं टीआरएस पे लूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे, देखो मेरे बैलेंस जो है ना यूएसडीटी पे है, तो आप लोगों को टीआरएस लेना है क्योंकि हम टीआरएस को वाजरिक्स पे सेंड करेंगे। टीआरएस इसलिए लेना है, देखो टीआरएस की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो भी सभी बंदे टीआरएस की बात करेंगे मतलब विड्रॉल के ऊपर, इसलिए देखो क्योंकि ना टीआरएस का चार्जेस सिर्फ 1-2 रुपये या फिर 3 रुपये होता है, और बाकी चीज़ मान लो ये एक यूएसडीटी है, अगर यूएसडीटी को वाजरिक्स पे सेंड करोगे ना तो आप लोगों को 300-400 रुपये का चार्जेस लगेगा। अगर यूएसडीटी को टीआरएस पे वही सेम मनी को यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे तो टीआरएस को वाजरिक्स पे सेंड कर दोगे तो 2-3 रुपये सिर्फ चार्जेस कटेगा, ठीक है। मेरे पास यूएसडीटी है, देखो मैं बोला था अगर बाएं तरफ जो चीज़ होता है ना उसे बाय करोगे, दाएं तरफ जो चीज़ है सेल करोगे, मेरे पास यूएसडीटी है तो मैं यूएसडीटी को टीआरएस पे लूँगा, मतलब यूएसडीटी को टीआरएस पे मतलब मैं बाय करूँगा, टीआरएक्स मुझे चाहिए, यूएसडीटी नहीं चाहिए, मेरे पास यूएसडीटी पड़ा है मुझे टीआरएस चाहिए, मतलब यूएसडीटी के बदले मुझे टीआरएस चाहिए तो मैं टीआरएस को बाय करूँगा। यहाँ पे सिंपल सा बाय के ऊपर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। देखो यार आप लोगों ना मतलब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी कोई ऑफर वगैरह आ गया ना मैं जब भी उड़ल करूँगा उस टाइम वीडियो बनाकर दे दूँगा, आप लोग वीडियो देख के उड़ल कर लेना, ठीक है। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बाय को पे क्लिक करना, यहाँ पे आ गया 100% को पे क्लिक करना, आप लोगों का जितना यूएसडीटी होगा ना यहाँ पे आ जाएगा, बाय को पे क्लिक करना आप लोगों का मनी टीआरएस पे आ जाएगा। टीआरएस पे आने के बाद ना यहाँ पे आप लोग वही वाला वॉलेट वाला सेक्शन पे आ जाना, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा वही जो मतलब वो देखो जैसे मेरे पास 1 इंच पड़ा है ना तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा टीआरएस, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक कर देना, आप लोगों का आएगा विड्रॉल, हर कोई एक्सचेंज पे इस तरह होता है, विड्रॉल को पे क्लिक करना आप लोग यहाँ पे टीआरएस आ जाएगा, तो यहाँ पे वाजरिक्स पे चला जाना, आप लोगों को टीआरएस का एड्रेस ढूंढ लेना। टीआरएस का एड्रेस कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को बताया था, वाजरिक्स पे चला जाना, वहाँ पे टीआरएस वाज करना, डिपॉजिट आएगा, डिपॉजिट को वहाँ पे एक एड्रेस दिखा देगा और एड्रेस को कॉपी करके सबसे ऊपर मांग रहे हैं एड्रेस, जो एड्रेस पे मनी चलाना चाहते हो ना वही वाला एड्रेस सबसे ऊपर डाल देना, फिर विड्रॉल को क्लिक कर देना, आप लोगों का विड्रॉल लग जाएगा, ठीक है। इस तरह कुछ होता रहता है, तो अब आप लोगों को पता चल गया। और एक चीज़ का एग्जाम्पल लेते मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ये है हैंडी पिक, ठीक है, ये हैंडी पिक इसे छोड़ो मतलब किसी को तो पैसा नहीं दिया क्योंकि हम फेक अकाउंट बना रहे थे, लेकिन ये ना अभी भी पेमेंट कर रहा है, मैं आज इसमें 2000 टोकन का उड्डा लगाया, सब रियल अकाउंट बना था तो ये मुझे पेमेंट देगा, ठीक है। इसका पेमेंट का सिस्टम है 6 से पहले, लेकिन मैंने 7 बजे लगा दिया था, कोई बात नहीं छोड़ो जान दो। देखो ये हैंडी टोकन है, ये कहाँ ये हर जगह पे लिस्टेड है, आप लोग वही वाला कॉइन के ऊपर चले जाना जब भी कोई चीज़ विड्रॉल करोगे ना। देखो मैंने कॉइन के ऊपर आ गया, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं सर्च करूँगा हैंडी, देखो मेरा नेट फिलहाल स्लो हो रहा है तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि जॉड पे आप लोगों को सेंड का ऑप्शन आया, यहाँ पे भी सेम टू सेम जो हैंडी टोकन है ना यहाँ पे भी आप लोगों को सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड पे चले जाना। ये हॉट बीट पे भी लिस्टेड है, बहुत सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जो जो एक्सचेंज पे जो भी कोई चीज लिस्टेड होगा, अगर वो बाइनेंस पे या फिर हॉट बीट पे नहीं होता है तो आप वहाँ पे एक अकाउंट बना लेना, जो भी कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है ना वहाँ पे एक अकाउंट बना लेना, वो वाला पैसा वहाँ पे सेंड कर देना, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना के दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखो जो जो बंदे ये वाला वीडियो को फुल देखेंगे ना तो भाई उनको सारा प्रोसेस पता चल गया होगा। हैंडी को ना कुछ सेम टू सेम हॉट बीट पे ले सकते हो, और हॉट बीट पे ना देखो हॉट मान लो आप लोगों का हैंडी टोकन हॉट बीट पे आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी बाय सेल या फिर ट्रेड का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे मान लो हैंडी टोकन आ गया हॉट बीट पे तो हैंडी को ना आप लोग ETH पे सॉरी मतलब USDT पे कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बाइनेंस पे बताया। अगर वहाँ पे USDT अवेलेबल नहीं होता ना तो कैसे कन्वर्ट करोगे वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक है, देखो ये हॉट बीट एक्सचेंज है, यहाँ पे भी है मार्केट और ट्रेड, देखो ये जो मार्केट और ट्रेड है ना ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हो नहीं तो यहाँ पे भी जा सकते हो। तो देखो मान लो मेरे अकाउंट पे मैंने यहाँ पे हैंडी टोकन सेंड कर लिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को देखो हैंडी टोकन का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, कोई भी मतलब जो भी कोई ऑफर वगैरह आता है ना तो इस तरह हर कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, देन वहाँ से आप लोग यहाँ तक या फिर कोई भी एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है तो वहाँ पे सेंड करना, हर एक एक्सचेंज पे मार्केट और ट्रेड होता है। मान लो मेरा हैंडी टोकन यहाँ पे आ गया तो मैं हैंडी टोकन से टीआरएस कैसे लूँगा, सिंपल सा मैं मार्केट वाला सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सर्च करना होगा हैंडी, देखो हैंडी में सर्च करता हूँ, ओके देखो हैंडी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हैंडी पे USDT है और BTC है,
देखो हैंडी पे यूएसडीटी और बीटीसी है। मान लो ये यूएसडीटी नहीं होगा तो हम ना ये हैंडी टोकन को बीटीसी पे लेना पड़ेगा। तो बीटीसी पे लेने के लिए आप लोगों को हैंडी है तो बीटीसी पे लेना है, तो कैसे सेल करोगे ठीक है। लेकिन कोई चीज़ बीटीसी पे नहीं लेना और कोई चीज़ यूएसडीटी होता है नहीं तो ईटीएस भी होता है ठीक है। देखो मान लो मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम पे तोड़ के बताया, मान लो हैंडी के बदले हमें यूएसडीटी नहीं मिल पा रहा है तो सिर्फ बीटीसी से हो रहा है तो हम आप बीटीसी ले सकते हो क्योंकि ना हैंडी है तो बीटीसी को सेल कर देना। यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना, सॉरी बाय है तो आपको सेल करना है ना बीटीसी पे, यहाँ पे बाय सेल दो है तो आपको यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना, 100% कर देना जितना हैंडी होगा ना आपके पास ठीक है। यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देना, आप लोगों का सेल हो जाएगा सक्सेसफुली, ये जो पैसा है ना बीटीसी पे आ जाएगा। बीटीसी के आने के बाद देखो, बीटीसी पे आने के बाद आप लोग ना बीटीसी को टीआरएस पे ले लेना। कैसे लोगे, वही मार्केट वाला सेशन पे चले जाना, आप लोग यहाँ पे सर्च करना होगा टीआरएक्स ठीक है, टीआरएक्स सर्च कर लाना होगा। टीआरएक्स सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने आ गया, देखो बीटीसी आ गया, ईटीएस आ गया, आप लोगों के पास देखो यूएसडीटी पे आ गया, आप लोगों के पास तो बीटीएस बीटीसी पे पैसा पड़ा है तो यहाँ पे टीआरएक्स टू बीटीसी कर लेना, आप समझ सकते हो ठीक है। देखो बीटीसी पे पैसा पड़ा है तो आपको टीआरएस लेना है सिंपल सा, उसके ऊपर क्लिक करना। देखो आप लोगों के पास बीटीसी है तो टीआरएस पे लेना है, इसलिए आपको टीआरएक्स बाय करना होगा, बीटीसी के बदले आपको टीआरएस बाय करना होगा। तो सिंपल सा बाय के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे 100% कर देना, बाय टीआरएस के ऊपर क्लिक कर देना, आप लोगों का टीआरएस सक्सेसफुल बाय हो जाएगा ठीक है। बाय हो जाएगा, बाय होने के बाद यहाँ पे आप लोग शो हो जाएगा कितना टीआरएस आपको पड़ा है ठीक है। सिंपल सा जो टीआरएस पड़ा होगा उसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आएगा उड्डल, उड्डल पे क्लिक कर देना, वहाँ पे सबसे ऊपर मांग रहा है आप देखो यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देना, इस तरह कुछ मांगा 100%, उसके नीचे मांग रहा है एड्रेस ठीक है। यहाँ पे प्लस का आइकन दिखा दे रहा है, प्लस के ऊपर क्लिक करना ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करना, फिर आपको मांग रहे हैं कौन सा एड्रेस पे मनी लेना चाहते हो, एड्रेस पे चला देना, टीआरएस का एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे रिमार्क पे कुछ भी दे के कन्फर्म कर देना, आप लोगों का एड्रेस यहाँ पे सेट हो जाएगा ठीक है। फिर सबमिट कर देना, आप लोगों का उड्डल लग जाएगा ठीक है ना। और आप लोगों का एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी कोई एक्सचेंज पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के साइन अप करेगा ना, सब रियल देना चाहिए क्योंकि मतलब विड्रॉल के टाइम पे ना, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम होगा। रियल इसलिए देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो ओटीपी आता है ना वो आपके ईमेल आईडी पे आता है और आपके मोबाइल नंबर पे आता है ठीक है। अगर वो ईमेल और मोबाइल नंबर से ही देना चाहिए जो आप हमेशा यूज़ करते हो, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है ना इसमें से ही सारे डिटेल्स रियल देना चाहिए ठीक है। कोई फेक किसी का मोबाइल नंबर मांग के ले आओगे, ओटीपी डाल दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, आप अपने खुद का चीज़ देना पड़ता है ठीक है। देखो अब आप लोगों को बताता हूँ, इस तरह ना हर कोई चीज़ टोकन वगैरह आप लोग वाजरेक्स पे ले आओगे। वाजरेक्स पे लेने के बाद ना आप लोगों का एक चीज़ में बताना चाहता हूँ, मान लो आप लोगों का जो भी मनी है ना वाजरेक्स पे आ गया, यहाँ पे फंड वाला सेक्शन पे जाता हूँ, आप लोगों का टीआरएक्स आ जाएगा। देखो टीआरएक्स पे आप लोगों को लेना है इंडियन मनी पे, ये तो टीआरएक्स को हम क्या करेंगे भाई, ये टीआरएक्स के टोकन है, हमारा कुछ काम का नहीं है। तो ये टीआरएक्स का जितना वैल्यू बनेगा ना हम इंडियन रुपी में लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट वाला सेक्शन पे ठीक है, मार्केट के पे जाना, यहाँ पे सॉस का ऑप्शन आ रहा है, सॉस के पे क्लिक करना, यहाँ पे सॉस करना होगा, आपके पास टीआरएक्स पड़ा है ना तो हमें इंडियन रुपी चाहिए, तो यहाँ पे INR सॉस करना, सॉरी आपके पास टीआरएक्स पड़ा है ना तो टीआरएक्स सर्च करना। देखो इस ऊपर एक आ रहा है टीआरएक्स टू INR, INR का मतलब होता है हमारा इंडियन रुपी, तो आपके पास टीआरएक्स है इंडियन रुपी पे लेना है तो सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करो, आपके पास टीआरएक्स है इंडियन रुपी पे लेना है तो दाएं तरफ इंडियन रुपी है तो आपको टीआरएक्स टू इंडियन रुपी को सेल करना है। यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, यहाँ पे बाय है सेल है, बाय का मतलब आपके पास टीआरएक्स पड़ा है ना, तो आप देखो यहाँ पे अगर आपके पास इंडियन रुपी होता तो बाय का मतलब आप टीआरएक्स बाय करते, अगर आपके पास टीआरएक्स है तो इंडियन रुपी पे सेल करोगे। सो सिंपल सा सेल को पे क्लिक करना, यहां पे 100% करके सेल कर देना, आपका मनी INR पे आ जाएगा, इंडियन मनी पे आ जाएगा, इधर से बैक करना ठीक है ना। देखो ये जो वाजरेक्स एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे मिनिमम उड्डल होता है 1000 रुपये, लेकिन आप लोग कॉइन स्विच का यूज़ कर सकते हैं, कॉइन स्विच भी सेम टू सेम है, जैसे कि वाजरेक्स है ना वैसे कॉइन स्विच सेम टू सेम है, लेकिन कॉइन स्विच पे मिनिमम 100 रुपये होते ही उड्डल कर सकते हो। कॉइन स्विच अभी फिलहाल के लिए बंद हो गया है कुछ दिनों से, क्योंकि ना वो फिर से चालू हो जाएगा क्योंकि उसका कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। कॉइन स्विच पे ना बहुत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना फिलहाल के लिए ज़्यादा चार्जेस लगता है। मान लो आपने किसी से टीआरएस लिए हो या फिर टीआरएस आप लोग अगर चाहोगे ना तो टीआर जितना ना आप लोग कॉइन स्विच पे ले सकते हो, लेकिन कॉइन स्विच पे अभी डिपॉजिट नहीं हो पाएगा ना ही उड्डल हो पाएगा। सो इसलिए हमने वाजरेक्स को चुना ठीक है। और कॉइन स्विच पे ना ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस लगता है भाई, किसी को अगर आप वाजरेक्स से किसी मनी ट्रांसफर करोगे ना तो आप लोगों को 20-30 रुपये चार्जेस लगेगा, लेकिन आप लोगों का मनी सिर्फ 2-3 रुपये में आ रहा है। लेकिन कॉइन स्विच पे क्या हो रहा था ना, 50-60-80-100 रुपये इस तरह करके चार्जेस लग रहा था भाई, वो बहुत लालची हो चुका है कॉइन स्विच। तो आप लोगों का मैंने वाजरेक्स बताया, और वाजरेक्स पे आप लोगों को जितना जहाँ से मनी आएगा ना मिनिमम 1000 रुपये होते ही आप लोग 1000 रुपये से जितना ज़्यादा मनी होगा ना उड्डल कर पाओगे, लेकिन कॉइन स्विच पे सिर्फ 100 रुपये होते ही उड्डल कर सकते थे ठीक है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आप लोगों का क्रिप्टो पे जो भी कोई ऑफर वगैरह है ना वो आप लोगों का आराम से 1000 रुपये तो हो ही जाएगा। अगर 1000 रुपये नहीं होता है ना, मान लो आप लोगों के वाजरेक्स पे सिर्फ 200 रुपये, तो वाजरेक्स पे और 800 रुपये आपसे बैंक से कार्ड करके डिपॉजिट कर लेना,
फिर देन उससे विड्रॉल कर लेना भाई, चल जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरह चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोगों का क्रिप्टो पार्ट वन और पार्ट टू को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना, देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए फंड का ऑप्शन, फंड को क्लिक करना, आप लोगों के पास INR हो गया मतलब इंडियन रुपी हो गया, यहाँ पे क्लिक करना, विड्रॉल को क्लिक कर देना, सिंपल सा विड्रॉल कर लेना। विड्रॉल का प्रोसेस तो आप लोगों को सभी को पता होगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। देखो वाजिरिक्स पे कैसे विड्रॉल होता है, देखो सबसे पहला वाला आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर विड्रॉल चाहिए ना, तो सबसे पहला उसके ऊपर क्लिक करना, इधर विड्रॉल ऑल के ऊपर क्लिक करना, 1000 रुपये से ज्यादा होना चाहिए, रिमार्क पे यहाँ पे हाई वगैरह कुछ भी लिख देना, विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आने के बाद आप लोगों का ईमेल पे OTP, देखो वाजिरिक्स पे किस तरह विड्रॉल होता है, देखो विड्रॉल के ऊपर तो क्लिक कर दिया, आपके ईमेल पे देखो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, फिर उसके बाद आपके जीमेल पे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के जीमेल पे भी एक लिंक आएगा। जब तक आपके जीमेल पे वो जो लिंक नहीं आता ना, जब तक वो लिंक को आप लोग कंफर्म नहीं करोगे ना, तब तक विड्रॉल नहीं होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरह आप लोगों को वाजिरेक्स पे जो आपके ईमेल पे मेल आता है, देखो मान लो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा ना, फिर भी वो विड्रॉल नहीं देंगे, तुरंत आपके ईमेल पे वाजिरेक्स के तरफ से एक लिंक आएगा, उसे ओपन कर ला, लिंक को ओपन करना, आपके विड्रॉल अप्रूव हो जाएगा 1 सेकंड पे, याद रखो। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो भी कोई 1 सेकंड पे आप लोग अकाउंट बनाओगे, वहाँ पे आप लोग से ही अपना रियल खुद का मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना, और जो भी कोई 1 सेकंड पे अकाउंट बना रहे हो ना, उसे नोट करके रखना, ठीक है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो सही है, नहीं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।